बोल, आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और ये है मेरे मंदिर का कुछ लुक अभी तक का, जो इस बार मैंने जन्माष्टमी में डेकोरेशन की थी। अब मैं जल्दी से मंदिर का अपना मेकओवर करूंगी, वो सारा चीज़ें आपके साथ में आगे मैं शेयर करने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे ड्राइंग रूम में मेरे लाला लाली विराजमान हो चुके हैं एक नया साफ चादर और अपने आसन के साथ। अब जल्दी से आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये सारी लड़ियाँ, जितनी भी लड़ियाँ हैं सब मैंने एक इस तरीके की बास्केट में निकाल लिया था। जितने भी आप देख सकते हैं पूरा मंदिर खाली हो चुका है, चौकियों के साथ में पूरा मंदिर खाली हो चुका है और सारी लड़ी सब निकल चुका है, पूरा मंदिर एम्प्टी है इस समय। और ये सारी लड़ियां मैंने लगे हाथ धुल के फैला दिया है। ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, अब यहाँ पर हम धुलाई करेंगे। और ये सारी जितनी आप देख रहे हो पर्दे के पास में जितना सब है, ये सारा अच्छा सा हमने झाड़ लिया है, पोंछ लिया है, जहाँ जहाँ पानी नहीं जा सकता है। वॉश करने के बाद में देखिए ये सारी लड़ियाँ भी सूख चुकी थी और मैंने अपने जो बैकग्राउंड है वहाँ पे जो कर्टेन है वो लगा दिया है। इस बार का थोड़ा लुक जो है वो चेंज करूँगी, तो ये मैंने इस बार पिंक कलर के कर्टेन यूज़ किए। क्यों यूज़ कर रहे हैं आगे मैं आपको बताती हूँ। जी हाँ, इस पिछवाई के लिए इस बार जो डेकोरेशन होगी वो पिछवाई से मैं करने वाली हूँ। और ये देखिए सारी लड़ियाँ लग गई हैं, पिछवाई भी मैंने लगा दिया है और पिछवाई को मैंने पहले ही सेंटर में लगा दिया था। अब यहाँ पे ये जो ग्रीन लड़ी है ये मैंने लगा लिया, ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। देखिए मैं बहुत इजी आपको डेकोरेशन आइडिया शेयर कर रही हूँ। पहले पिछली बार मैंने बहुत सारे फ्लावर्स का डेकोरेशन किया था, फ्लावर्स मैं अभी भी इसमें ऐड करूँगी, लेकिन पहले मैं आपके साथ में बहुत इजी मेथड शेयर कर रही हूँ, इजी आइडिया शेयर कर रही हूँ। सारी जो लड़ियाँ हैं वो लग चुकी हैं और ये मैंने इस तरीके से पिछवाई लगा दिया है। देखिए अब पिछवाई लगा देने के बाद में पूरा अच्छे से मैं ये बेल वगैरह लगा दूँगी और अब मैं एक और हैंगिंग की जो बेल है वो लगाऊंगी। और ये देखिए मेरे पूरा रूम की हालत, ये तख्त पूरा खड़ा हो जाता है, यहीं पे मैं पूरा का पूरा अपना जो झांकी है वो डेकोरेट करूंगी। आगे सब आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करूंगी। अब मैं जल्दी से जो और बेल है वो भी यहाँ पे लगा लूंगी। जी ये भी बेल, इसको लगा देने के बाद में दूसरी जो एक बेल है हैंगिंग की वो भी मैं यहाँ पे हैंग कर दूंगी। और अभी तक का लुक कुछ ऐसा लग रहा है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैंने लाइटिंग नहीं किया है, केवल फोकस लाइट मैंने लगाया है। और ये देखिए ये जो हैंगिंग की बेल है इसको भी जल्दी से लगा देते हैं, यहीं पर मैं हैंग करके आपको दिखा दूंगी। इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड में ये बेल लगा दिया है और अब मैं जल्दी से लगा दूंगी ये फ्लावर्स। और कुछ इस तरीके का लुक आ गया है देखिए। और ये देखिए ये मैंने फ्लावर यहाँ पे फ्लावर पॉट लगा दिया है। फ्लावर पॉट के बाद में मैंने यहाँ पर जो गोपी पिछली बार मैंने आपके साथ शेयर किया था सजाया है वो ये गोपी है देखिए। और पूरा का पूरा लुक चेंज हो गया है। इतनी डेकोरेशन से भी आप पूरा अपना जो बैकग्राउंड है और जहाँ पे भी आप झांकी सजाओगे वो बना सकते हो। अब मैं आपको आगे एक छोटा सा जल्दी से ट्विस्ट दिखा देती हूँ, वो है ये ग्रीन आर्टिफिशियल प्लांट। जी हाँ, आप ये भी रख दीजिएगा, बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। ये देखिए बहुत जल्दी ये सजावट हो जाएगी। पिछवाई से आप बहुत सुंदर डेकोरेशन कर सकते हो। आप ऐसी पिछवाई आपको अपनी लोकल मार्केट में भी मिल जाएगी। तो ये था मेरा कुछ आइडिया नंबर वन, ये आप लोगों के लिए बहुत जल्दी से डेकोरेशन कर लेने का। जिनके पास समय अब नहीं बचा है वो इस तरीके से बहुत सुंदर जन्माष्टमी की डेकोरेशन कर सकते हैं। खेल खिलौने वगैरह सब नीचे अच्छे से लाला का सजा दीजिएगा। और यहाँ पे मैंने ये देखिए जो दीपक है ये भी लगा दिया है और अब जो लुक है वो बहुत सुंदर लग रहा है। तो ये था मेरा कुछ अभी तक का लुक, आइडिया नंबर वन मैंने आपके साथ में शेयर किया। बाकी भी कोशिश करूंगी कैसे कैसे मैं डेकोरेशन करती हूँ आगे वो आप सबके साथ में शेयर करूँ। और जो झांकी है वो भी मैं बहुत जल्दी शेयर करने की कोशिश करूंगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे ब्लॉग में बहुत जल्दी। हरी बोल, जय कन्हैया लाल की।